बहुत अच्छे थे ना सर। हाँ तो हमें बहुत मज़ा आया था, मैं आपको बता रही हूँ। और ये बच्चे को ये गिरा ही नहीं था और ये हंस रहा है, वाह 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 वाह। ये बहुत शर्मीला तो मैं बता रही हूँ। हम लोग वाटर पॉन्ड में नहाए भी थे, बहुत मज़ा आया था। तो वाटर पॉन्ड में नहाए भी थे, बहुत मज़ा आया। मेरे हफ्सा इशार चार फ्रेंड गए थे, एक दो फैमिलीज गए थे, तो चार चार पाँच छः लोग थे, तीन फैमिली गए थी। एक मम्मा लोगों की, एक नानू लोगों की, कबूतर मम्मा लोगों की और एक हफ्सा लोगों की, तीन फैमिलीज गए थे। ठीक है, तो चार चार पाँच लोग थे, ठीक है, मतलब चौदह लोग थे ना। तो हमने बहुत मज़ा किया, मैंने हफ्सा शाल था उस पानी में चले गए थे, बहुत मज़ा आया था। हमने बर्फ़ पे गए, तो बर्फ़ थी तो हमने बर्फ़ से स्नो बैंड किया, बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग फिर गए थे, हाँ बहुत मज़ा। खाने को बहुत अंडा पराठा हर रोज, ये भी इसको था कर रहे हैं। और देखो ये भी कह रहे हैं, और जाओ तो ना होटल गए थे। अच्छा, तो होटल में हमने खाया खाना, ये बच्चा बहुत शरारती है, मेरा कॉपी कैट है बिल्कुल, है ना। ये बस थोड़ा शिट मिला है, बहुत मज़ा आया। और ये बताती हूँ, हमने वाटरफॉल भी देखा बहुत दफ़ा, उधर का व्यू तो अच्छा था कि आप सोच ही नहीं सकते हो। और इस बच्चे की शक्ल देख कितनी क्यूट है, और ये आपको दिखाना नहीं चाहता, ये उसको ही देख रहा है बस। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा बच्चा है, आप नहीं जानते हैं, ये बहुत छोटा है। आप बताइए भी गए थे जो पार्क था, बहुत अच्छा व्यू था, मैं बता रही हूँ। और हमें बहुत मज़ा आया। तो हफ्सा में और शार सबसे मज़े कर रहे थे, तो फिर चैलेंज भी हुआ कि कौन ज़्यादा बैगी वज़न उठा सकता है। तो जितना था कोई नहीं, इससे आगे की उनका ऑबरी हो गई थी, तो गोपरे चल में इतने छूट थे कश्मीर, लेकिन मरी में बोटिंग का टाइम ही नहीं रहा था। जिसमें बोटिंग का था ना हमारा प्लान, उस दिन ना